नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से। और दोस्तों आज इस वीडियो में ये है एक आपके सामने वायरलेस ब्लूटूथ रिसीवर, ऑडियो रिसीवर। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है वायरलेस रिसीवर और ये है BT450 मॉडल नंबर है इसका और ये मैंने परचेज़ किया था अमेज़ॉन से। तो दोस्तों इसकी हेल्प से आप किसी भी ऑडियो डिवाइस को जो कि ब्लूटूथ अनेबल नहीं है आप उसे ब्लूटूथ वाला बना सकते हैं इस डिवाइस की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए स्मार्टफोन में, टैबलेट में या फिर कार के ऑडियो सिस्टम के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, हेडफोन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं या कोई म्यूज़िक सिस्टम है आपके पास, कोई होम थिएटर वगैरह, और या तो आप वायरलेस माइक्रोफोन की फॉर्म में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए तो पीछे कुछ इसके फीचर्स दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हैं काफ़ी सारे फीचर्स। तो इसमें तो लिखा हुआ है कि 8 घंटे का बैटरी बैकअप है अगर आप इसे फुल चार्ज कर लेंगे, बट 8 नहीं तो कम से कम 3 या 4 घंटे ये चल जाएगा अगर आप इसे फुल चार्ज कर लेंगे। और ब्लूटूथ से आप इसे अपने फ़ोन के साथ पेयर कर सकते हैं। तो चलिए बॉक्स में क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो ये हैं बॉक्स के कंटेंट्स। तो फर्स्ट में है ये हमारा ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर, ये देखिए काफ़ी छोटा सा है और आपको मिलेगी एक कनेक्टिंग पिन ऑक्स केबल जैसी छोटी सी है, दोनों साइड 3.5 mm का जैक दे रखा है जो पिन है और माइक्रो एसबी केबल है छोटी सी इसे चार्ज करने के लिए। तो ऊपर आप यहाँ पे पिन लगा सकते हैं 3.5 mm की और यहाँ पे 3 बटन हैं, पावर ऑन ऑफ बटन है, वॉल्यूम अप एंड डाउन है या फिर प्ले एंड पॉज कह सकते हैं, पीछे एक पिन है कनेक्टिंग और यहाँ पे माइक्रो पोर्ट दे रखा है देखिए इसे चार्ज करने के लिए। तो चार्ज करके आप इसे अपने पास रखिए, जेब में डाल लीजिए, पॉकेट में, और हेडफोन्स लगा लीजिए वायर वाले, तो आप उन हेडफोन्स को एज अ वायर से छुटकारा पा सकते हैं और ब्लूटूथ वाले हेडफोन की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और कार में भी आप लगा सकते हैं, मान लीजिए आपके कार का जो सिस्टम है वो नहीं है अगर ब्लूटूथ वाला तो आप उसे भी ब्लूटूथ अनेबल कर सकते हैं। तो ऑन कर रहा हूँ मैं तो ये ऑन नहीं हो रहा, आई थिंक ये चार्ज नहीं है, तो पहले इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो चलिए अभी मैंने इसे चार्जर में लगा दिया है पावर बैंक के थ्रू, तो अभी ऑन तो हो गया। ये देखिए ये ब्लूटूथ पेयरिंग के मोड में है, मतलब अभी ये ब्लूटूथ सर्च कर रहा है। तो देखिए ऐसे वाले जो वायर वाले हेडफोन्स है, देखिए ये वायर वाले हेडफोन है, ब्लूटूथ वाले तो नहीं है, बट अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ तो ये हेडफोन ब्लूटूथ वाले हेडफोन जैसे काम करेंगे। या फिर अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्पीकर है तो आप ये वाली केबल का यूज़ कर सकते हैं, देखिए इसको आपने लगाना है यहाँ पर, ये देखिए, और दूसरी साइड से आप अपने होम थिएटर में इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर उसमें ब्लूटूथ नहीं था तो अब वो ब्लूटूथ की तरह काम करेगा और आप अपने स्मार्टफोन से भी वो चीज़ प्ले कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास कार में ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है उसमें ब्लूटूथ नहीं है तो आप इस पिन के थ्रू या ऑक्स केबल के थ्रू उसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने फ़ोन से आप फिर ब्लूटूथ से सॉन्ग वगैरह प्ले कर सकते हैं। तो बहुत यूज़फुल चीज़ है और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 180 इसका प्राइस है, 180 रुपये में मैंने ये अमेज़ॉन से परचेज़ की थी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ इसको पेयर कैसे करना है, फ़ोन से कैसे कनेक्ट करना है। तो सेटिंग्स में जाना है अपने अपने स्मार्टफोन की और ब्लूटूथ में जाना है। तो ये देखिए ब्लूटूथ में, तो जब आप इसे ऑन करेंगे तो देखिए ये अभी सर्च कर रहा है, तो इसका नाम आएगा ये देखिए ब्लूटूथ म्यूज़िक। तो आपने जैसे इसको पेयर कर लेना है यहाँ से, देखिए ये ऊपर वाला जो पावर बटन है ये ऑन ऑफ बटन है वैसे, तो जब आपने इसे टच करना है और ये देखिए पेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो जस्ट इसको आप पेयर कर लीजिए। तो देखिए अभी ये पेयर हो गया है, कनेक्टेड शो कर रहा है, ये देखिए कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो देखिए कॉल के लिए इसमें है, कनेक्ट कर सकते हैं, तो कॉलिंग के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक के लिए, तो अगर कॉल वगैरह भी आ रही है तो वो भी आप रिसीव कर पाएंगे इससे। तो चलिए अभी ज़रा कोई सॉन्ग वगैरह प्ले करते हैं और
मैं हेडफोन लगा देता हूँ। ये देखिए, ये वायर वाले हेडफोन है, ब्लूटूथ वाले हेडफोन नहीं है ये। तो अभी मैं इसको, इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह चेक करता हूँ। हेडफोन लगा लेते हैं कान में, और सॉन्ग मैंने देखिए प्ले करा है एक मोबाइल में, आप देख सकते हैं। और मैं ज़रा इसकी साउंड क्वालिटी को चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सुन के देखता हूँ इसकी आवाज़ कैसी आ रही है। ओके, तो अभी मैं गाना सुन रहा हूँ और काफ़ी अच्छे से साउंड आ रहा है। और बैटरी बैकअप मैंने आपको बता दिया, 3 से 4 घंटे तक का मिलेगा, 8 घंटे तो खैर नहीं मिलेगा। और बहुत अच्छी साउंड आ रही है, साउंड क्वालिटी ठीक है। ये देखिए, वॉल्यूम थोड़ा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। वॉल्यूम बटन जो है वो फ़ोन वाला तो है, मतलब फ़ोन से भी आप वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट इसमें भी वॉल्यूम वाले बटन मिल रहे हैं आपको। एंड इस केबल का आप यूज़ कर सकते हैं अपने होम थिएटर सिस्टम वगैरह के लिए। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है इसका। 180 रुपये में ये मैंने 180 रुपीज़ में मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था ये। तो आप चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये। और अगर आप कोई चीज़ ऐसी ढूंढ रहे हैं तो बेसिकली ये आपको बहुत यूज़फुल लगेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।